ऑपरेशन अंडरवर्ल्ड इटालियन और जूश कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फिगर्स के सहयोग के लिए यूएस गवर्नमेंट का कोड नेम था। यह किया गया था ताकि 1942 से 1945 तक अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड पोर्ट्स के साथ एक्सिस स्पाइज और तोड़फोड़ करने वालों का मुकाबला कर सके, साथ ही साथ वॉर टाइम लेबर यूनियन की हड़तालों से बचने के लिए और वाइटल वॉर्स और इक्विपमेंट्स की कालाबाजारी करने वालों द्वारा चोरी को लिमिट करने के लिए भी किया गया था। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमले के बाद पहले 3 महीनों में अमेरिका ने अटलांटिक की लड़ाई में जर्मन की वजह से यू बोट्स और सरफेस रेडर्स के साथ 120 मर्चेंट शिप्स को खो दिया था और फरवरी 1942 में ओशन जहाज एसएस नॉर्मेंडी को भी एक कब्जा कर लिया गया। फ्रेंच शिप जिसे न्यूयॉर्क हार्बर में ट्रूप शिप के रूप में रिफिटेड किया जा रहा था, कथित तौर पर न्यूयॉर्क के पोर्ट में एडसन से सैबोटेज किया गया और उसके बाद वह डूब गया। माफिया बॉस अल्बर्ट एनास्टेसिया ने तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ली।